हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ताजी टेक्निकल में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने पीसी में, और उसी के ज़रिए आप अपने पीसी के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको VMware को डाउनलोड करना है। तो VMware है, मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी है। ये फ़ाइल का जो पूरा सेटअप है VMware का, इसके अंदर दो है, एक तो है लिनक्स के लिए, एक है विंडोज़ के लिए। तो इन दोनों का जो डाउनलोडिंग लिंक है इस पूरे फाइल का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये मैं अपनी गूगल ड्राइव पे रख रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमको जाना है विंडोज़ वाले में, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लिनक्स में हैं तो आप लिनक्स वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, विंडोज़ 64 बिट, और ये वर्चुअल का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, VMware वर्कस्टेशन फुल 12.0। तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शायद कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन ये यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटअप होना चालू हो गया है। तो नीचे आप देख सकते हैं ये प्रिपेयरिंग फॉर VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉलर। तो यहाँ पे अपने ड्राइवर्स भी ले लेगा जो इसको हेल्प करेगा पेन ड्राइव और ना वाईफाई यूज़ करने में। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट कंडीशंस, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे है। थोड़ा वेट करते हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो गई है, आप देख सकते हैं अप्रॉक्स बस होने वाली है। और ये दूसरा भी इंस्टॉल हो रहा है। इसमें आपको एक प्रोडक्ट की मांगेगा जो लाइसेंस के लिए है, उस की से आप इसको चला सकते हैं। अगर आपके पास वो की नहीं रहेगी जिसका लाइसेंस की है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी जो की का है, उसका मैं जो लिंक है मैं नीचे डाल दूँगा प्रोडक्ट की का। तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट की कहाँ से लेनी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको प्रोडक्ट की कहाँ से मिली हुई है, कहाँ से मिलेगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ये प्रोडक्ट की ही मांगेगा। तो बस यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग वर्चुअल नेटवर्क ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर से इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन प्रो सेटअप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फिनिश और लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे की मांगेगा, तो यहाँ पे आपको की डालनी है, और की मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, और वहाँ पे आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको की मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ मैं, तो आप नीचे जाके एक बार देख लीजिएगा और वहाँ से की लेके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद फिनिश, अब फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से, अगर आपने की डाला होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट खोलेंगे और ये सेटअप चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चालू हो चुका है, और ये बाद में की मांगेगा। तो अगर आपको की ज़रूरत है तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। VMware के बारे में बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ, कैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, और Ubuntu कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और Kali Linux कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।